अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफ़क अज़मत। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक मेडिसिन के बारे में, ठीक है ना, जिससे विटामिन डी के हमारे लेवल्स जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं अगर कम हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि विटामिन डी के क्या ऐसी जो होती हैं डेफिशेंसीज होती हैं, ये क्या ऐसे साइन और सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में जो विटामिन डी के जो सिम्टम्स शो होते हैं उसमें ये होता है कि हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं, मसल क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है ना, हर वक्त दर्द होता है पट्ठों में, इसके अलावा हड्डियों में दर्द होता है, ठीक है, या जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब आप चलते चलते आपको ठोकर भी लग रही है तो आपका हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया है, किसी भी तरह का फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है। और इसके अलावा ये होता है कि डिप्रेशन होता है सबसे जो मोस्ट कॉमन इसका सिम्टम है। जब भी आपकी बॉडी में विटामिन डी के लेवल्स कम होते हैं तो डिप्रेशन होता है, ठीक है, डिप्रेशन होता है, इंसान सुस्त होता है, ठीक है, कुछ काम करने को दिल नहीं चाहता, ठीक है, और बस इंसान सोचता रहता है और डिप्रेस रहता है। इसके अलावा बाकी जो मोस्ट कॉमन इश्यूज हैं लाइक आपकी हड्डियों में दर्द होता है, ठीक है, आपको मसल पेन होता है, ये सारे जो हैं ये सिम्टम्स होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मैं कौन सी मेडिसिन के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो है सनी डी स्टेट। बाकी भी मार्केट में बाकी भी तरह के जो हैं वो टैबलेट्स कैप्सूल्स वगैरह हैं, लेकिन सनी डी स्टेट का ये है कि आपके विटामिन डी के लेवल्स को अच्छा कर देती है, ठीक है, उसको बैलेंस करता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सनी डी स्टेट जो है वो आपकी बॉडी में किस तरह की जो है वो तब्दीली लाता है, कैसे आपकी विटामिन डी की अगर कमी है तो उसको पूरा करता है। ये क्या करता है सनी डी स्टेट के ये जो टैबलेट होती हैं, ये आपकी जो बॉडी में जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उसको ट्रीट करती है, ठीक है, उसको क्या करती है कि वो हेल्प करती है, प्रोमोट करती है, आपके विटामिन डी के लेवल्स को बेहतर करती है, ठीक है। इसके अलावा वो लोग जिनके है जो है हार्ट इश्यूज हैं उनकी हेल्थ को बेहतर करती है, ठीक है, डायबिटिक्स जो पीपल होते हैं उनकी जो होते हैं उसमें हेल्प करती है, या वो लोग जिनका क्या होता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होती, ठीक है ना, तो उसमें भी ये हेल्प करती है। अब एक चीज़ जो मैं क्लियर कर दूं कि क्या होता है कि लोग डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं, यानी कि मिल्क भी ले रहे हैं, दही का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि कैल्शियम की बनी हुई हर चीज़ ले रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो वो कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं होगा। हमारे एक ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हमें विटामिन डी मिलेगा सूरज से, ठीक है ना, लेकिन एक मैं आप लोगों को बता दूँ कि एशियन जो स्किन होती है या एशियन जो हमारी बॉडी होती है वो विटामिन डी भी उसको सही तरीके से नहीं मिल रही होती, ठीक है। कहा जाता है कि जो सुबह वाली धूप होती है और जो शाम वाली धूप होती है वो अच्छी होती है, ठीक है ना, वो जो होती है उसमें विटामिन डी भरपूर होता है। ये नहीं है कि आप दोपहर में 3 बजे या 1 बजे जाकर धूप में बैठ जाएं और आप कहें कि मैं विटामिन डी ले रहा हूं, उससे आपको विटामिन डी नहीं मिलेगी। हाँ, सुबह वाली जो धूप होती है 4 से 6 बजे वाली और शाम को सुबह धूप होती है 7 से 9 बजे वाली और शाम की जो धूप होती है यानी कि जाने वाली धूप 4 से 6 बजे वाली वो जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है जिसमें विटामिन डी भी होता है। तो अगर आप वो विटामिन डी लेते हैं उस वक्त आप धूप में बैठते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा हमारी जो डाइट है वो इतनी अच्छी नहीं है, यानी कि खालिश चीज़ें हमें नहीं मिलती जिसकी वजह से विटामिन डी की हमारी बॉडी में कमी होती है, ठीक है। तो हमें अपनी डाइट में, हमें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विटामिन डी का इस्तेमाल लाजमी करना है। अब हम लोग जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि सनी डी स्टेट का, तो ये क्या होता है कि ये जेल कैप्सूल होता है, ठीक है, ओरली जेल कैप्सूल होता है, जेल कैप्सूल होता है, ये आप लोगों ने लेना होता है। लेकिन आप ये कब लेंगे, जब आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। उसके लिए आपने क्या करना है कि पहले आप अपने टेस्ट करवाएंगे विटामिन डी के, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी के लेवल्स कम हैं तो तब ही आप ये कैप्सूल लेंगे या फिर आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, ठीक है, उससे अपने साइन और सिम्टम्स बताएंगे, वो आपके टेस्ट करवाएगा और उसके बाद ही रिपोर्ट्स के बाद ही पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कितना विटामिन डी की कमी है, तो फिर उस हिसाब से आपको मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाएगी। अमूमन जो मेडिसिन ये भी जिसकी डोजेज लेते हैं वो इस तरह लेते हैं कि आपने 4 कैप्सूल लेने हैं महीने में 4 मरतबा। अब वो आपने किस तरह लेने हैं, जैसे कि महीने में 4 हफ्ते होते हैं तो आपने हर हफ्ते 1 कैप्सूल लेना है, कोई भी दिन आप रख लें, ठीक है ना, लाइक आपको मंडे को लेना है, फ्राइडे को लेना है, जिस तरह भी आप लोग रख लें, ठीक है ना। फिर आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोग ये वीक है इसमें आप ले रहे हैं मंडे को, तो फिर नेक्स्ट वीक भी आपने मंडे को ही लेना है, ठीक है। इस तरह आपने 4 कैप्सूल लेने हैं महीने में, ठीक है, यानी कि हर हफ्ते आपने 1-1 कैप्सूल लेना है, 1 कैप्सूल से ज़्यादा नहीं लेना।
तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपकी कोई ऐसी एज है, कोई ऐसी कंडीशन है, ठीक है, आपके विटामिन डी के लेवल्स जो है वो डिपेंड करते हैं कि कितने हैं, तब आपको डॉक्टर जो होता है वो प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, ठीक है। कभी भी खुद से आपने डोजेज नहीं लेनी, जो रिकमेंडेड डोज होती है वो यही होती है कि महीने में आप 4 कैप्सूल लें, हर हफ्ते 1 कैप्सूल लेना है, ठीक है। ये जो है वो रिकमेंडेड डोज है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें, या कौन से ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें विटामिन डी को नहीं लेना है, ठीक है ना। वो लोग जिनका किडनी और लिवर इम्पेयरमेंट है, ठीक है, या वो लोग जिनका जो है कैल्शियम मेल एब्जॉर्प्शन है, ठीक है ना, ये जिनकी कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है ना, वो लोग जो है इसको नहीं लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कौन से ऐसे वो हैं साइड इफेक्ट हो सकते हैं इस मेडिसिन को लेने से, तो हो सकता है आपको नौजिया हो, ठीक है, या हो सकता है बहुत ज्यादा आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो, ठीक है, नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, थर्स जो है प्यास बढ़ सकती है आपकी, ठीक है, और एपिटाइट में भी चेंजेस आ सकती है। ऐसे जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन ये चीजें जो है वो हो सकती है। फिर इसके अलावा अगर आप लोगों की बॉडी में वाइटामिन डी के लेवल ज्यादा है और फिर भी आप ये ले रहे हैं, तो ये चीज ठीक नहीं होगी। तो इसीलिए सबसे बेहतर यही रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने पहले विटामिन डी के लेवल जो है उसका टेस्ट करवा लें, ठीक है, वो कितने हैं, फिर उस हिसाब से आप लोग ये मेडिसिन ले, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात कर लेती हूँ कौन सी ऐसी जो है हमारी गिजाएं हैं जिनमें विटामिन डी पाया जाता है। तो मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट से बनी हुई चीजों में विटामिन डी होता है, ठीक है, फिश में होता है, लिवर में होता है, ठीक है, तो आप इन चीजों को ले सकते हैं, अपनी खुराक में ये चीजें भी ऐड करें। इसके अलावा साथ साथ आपने सप्लीमेंट्स लाजमी ऐड करने हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्स आप कोई भी ले सकते हैं, ये नहीं कि आप सनी डी स्टेट ही लें, इसके वॉसनेट डी के नाम से है, वो भी आप लोग ले सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि कौन सी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। आपकी बॉडी में अगर विटामिन डी की कमी है तो आपके मसल पेन होगा, ठीक है, आपकी बोन्स वीक होंगी, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया होगा, यानी कि बोन्स क्या होती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, ऑस्टियोप्रोसिस होगा जिसमें ब्रिटल और वीक बोन्स होती हैं, रिकेट्स हो जाना, ठीक है, ये बच्चों में होता है रिकेट्स हो जाना, ठीक है, और जो फ्रैक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, लाइक आप लोग चल भी रहे हैं, कहीं ठोकर भी लग रही है तो आपका फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, वीक बोन्स होती हैं, डिप्रेशन होता है, ये जो होते हैं ये ऐसी चीजें हैं जिससे ये पता चलता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। ये विटामिन डी जो है, ये कहते हैं कि जब बच्चा पैदा हो तो उसको आप लोगों ने नेक्स्ट डे से ही विटामिन डी देना शुरू कर देनी है। अब बच्चों के लिए विटामिन डी के ड्रॉप्स होते हैं, उस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है, कि बच्चों को आप लोग विटामिन डी के ड्रॉप्स दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों में टांगों में दर्द होता है, ठीक है, बच्चे बढ़ रहे होते हैं, उनके विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो आप लोगों ने विटामिन डी के ड्रॉप्स बच्चों को देने हैं, और खुद जो है आप लोग विटामिन डी के टैबलेट्स या कैप्सूल्स जो होते हैं वो आप लोग ले सकते हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं जो अगर आप लोग लेंगे तो आप एक हेल्दी लाइफ गुजारेंगे, आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं होगी, विटामिन डी की कमी नहीं होगी, तो आप बहुत सी चीजों से बच सकते हैं, जैसे कि वीक बोन्स हो गई, मसल वीकनेस हो गई, ठीक है, या इसके अलावा डिप्रेशन जो बहुत ज्यादा आजकल कॉमन है, उससे भी आप लोग बच सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी कमेंट्स या क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।